मीडिया ट्रायल को लेकर बात करेंगे कि क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट मीडिया ट्रायल को लेकर खफा हो गई है, और 3 महीने के अंदर पुलिस की बात करें तो जो प्रस्तुत की जाती है पुलिस की तरफ से, मीडिया ट्रायल करवाई जाती है, मीडिया ब्रीफिंग करवाई जाती है, उस पर 3 महीने के अंदर गाइडलाइंस देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। जी देखिए, एक्चुअली क्या है कि मीडिया ट्रायल जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है शुरू से, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि एक पुरानी जो है 2015-16 के आसपास की एक खबर थी, उस जी खबर के अनुसार से ये कहा गया कि इसको जो है उस खबर की सुनवाई में ये मामला सामने आया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली क्या है कि पुलिस ब्रीफिंग जिस तरीके से होती है तो आरोपी और जो आरोपित होते हैं उन दोनों के खिलाफ जो पुलिस ब्रीफिंग की जाती है वो ब्रीफिंग के अनुसार से मीडिया जो है जवाब देती है और फिर वो खबरें छापती है। तो आपका ब्रीफिंग ऐसा होना चाहिए कि जिससे दोनों पक्ष के लोगों को, जो आरोपी और आरोपित हैं, उन दोनों के साथ इस तरह की चीजें ना हो कि गलत मैसेज जाए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ एक कहते हैं कि आप जब दर्ज करते थे ये तो सजा तो दी नहीं गई है, लेकिन आपके जो है रिपोर्ट के अनुसार से किसी व्यक्ति की पूरी इमेज चेंज हो जाती है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आप जो है उस पर एक नपीतुली बात करें। और इसलिए पुलिस के साथ, पुलिस जो मीडिया ब्रीफिंग देती है वो किस तरह का हो, क्या गाइडलाइंस हो, वो गाइडलाइंस बनाने के लिए जो है ये खास तौर से कहा गया है केंद्र सरकार को। अब सरकार जो है इस पे जो है अपने 3 महीने में जो भी है ये रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद जो है चाहिए ताकि किसी भी पक्ष को किसी भी तरह की कोई हानि ना हो। क्योंकि हमने पास्ट में देखे हैं बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जहां पर कि मीडिया ट्रायल ने लोगों की जिंदगी जो है पूरी तरह से कहा जाए तो किसी को विलेन बना के पेश कर दिया गया, मीडिया जैसे चाहिए उसको पेश की है, और सिर्फ कारण यही है कि पुलिस ब्रीफिंग में ये चीजें सामने आई है कि आरोपी ये है तो भाई उसके खिलाफ हम पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा जब एक सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ उसमें जब पुलिस के ही ब्रीफिंग के कारण हुआ कि पुलिस ने बताया कि उनकी जो प्रेमिका रिया थी चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती, तो रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से लोगों ने लिया, तो जो जिस तरीके से सबूत पेश किए गए पुलिस के द्वारा, उसके कारण से मीडिया ने उनको पूरी तरह से विलेन बना विलेन दिया। बना के पेश कर दिया। और आज भी जो है अगर कहा जाए मीडिया में आप ज्यादा लोगों से पूछें तो वो इसी तरह के जवाब देते हैं, जबकि अभी तक उस पर कोई भी कहा जाए आरोप तो सिद्ध नहीं सिद्ध हुआ है नहीं और हुआ किसी भी है। तरह की बात लेकिन नहीं उस समय सामने जो आई। उनको झेलना पड़ा, और पूरे मतलब कहा जाए भारत में लगभग लोग मानने लगे थे कि रिया चक्रवर्ती ही उनकी ने वजह सब है। कुछ किया है, तो ये एक गलत तरीका है, और इससे जो है कई बार निर्दोष भी फंसते हैं। और मीडिया को भी एक कहीं ना कहीं लगाम की जरूरत है कि आपके बोलने की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए और किस तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि कई बार एक जैसे मीडिया में कहा जाता है कि या मीडिया के लिए है कि आप जब दो समुदायों के बीच जब कुछ होता है तो उस समय आप समुदाय का नाम नहीं लेंगे कि किस समुदाय से है, पर अब के समय में ये चीजें आप देखेंगे धीरे शुरू में होता था लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। बिल्कुल आप खबर के रूप में तो समुदाय की बात नहीं करते लेकिन डिस्कशन में या बाकी चीज में उसको हिंदू मुस्लिम है और कर देते हैं, और फिर डिस्क्लोज कर देते हैं नाम से बाकी चीजों से, और वो फिर हिंदू मुस्लिम हो ही जाता है। और अब तो हिंदू मुस्लिम पे विवाद मतलब डिस्कशन पूरे अच्छे तरीके से होते हैं, या बिल्कुल कई बार जो है महिलाओं के साथ जब दुर्व्यवहार होता है या किसी भी तरह घटनाएं की घटती घटना है तो होती है। अप्रिय घटनाओं पे भी इसी तरीके से शुरू में बताया जाता है कि नाम नहीं बताना है, जगह नहीं बताना, लेकिन वो करते करते जो इस तरह के डिस्कशन और प्रोग्राम जो है कि जो लिमिट क्रॉस होती है और उसमें सारा चीज मामला खुलकर सामने आया, सिर्फ एक ही चीज बचता है कि चेहरा ब्लर कर दो, तो सिर्फ चेहरा ब्लर करके चीजें नहीं होती, बहुत सारी चीजें जो है देखनी चाहिए, पर ये सब चीजें सामने आने लगी हैं, बिल्कुल तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं एक गाइडलाइंस की जरूरत तो है। अब वो 3 महीने में क्या गाइडलाइंस मिलने आते जा रही हैं है ये ये हमें देखने वाली देखने बात वाली है। बात होगी। खैर,
अब देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस आती है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई करती है। करती है। यार ये तमाम मुद्दे हमने आपके सामने पेश किए, कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे फिर इसी तरह के मुद्दों के साथ। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।